What's up people, कैसे हो आप लोग? So it's time for another ride and this time I'm not traveling on my bike, I'm not going on my Tiger, I'm going on my Isuzu. अभी time हुआ है 3:30, so hopefully maybe by tomorrow we'll be reaching Manali. E-pass आ चुका है, RT-PCR की ज़रूरत नहीं है अब मनाली में. पूरा का पूरा सर्किट करना है इस बार लद्दाख का, मनाली वाली साइड से जाके श्रीनगर से वापस आने का और बीच में सारी चीज़ें कवर करने का. अच्छा खासा लंबा ट्रिप होगा, अराउंड 12 to 14 days मिनिमम मुझे लग रहा है, 15 भी हो सकता है. So Isuzu, me and a lot of fun. So the Isuzu is all ready. I recently got the new Maxxis Bravo 80 tires. These should be very useful in Ladakh. And let me show you the setup from inside. अंदर क्या क्या है. हमने ये GoPro यहाँ पे mount किया है, so that आपको गाड़ी चलाते समय भी footage वगैरह बढ़िया तरीके से दिखे. And sitting in the Isuzu V-Cross, it kind of eggs you on to go for a long trip, and that is what we are going to do today. We are going to start off a 15-day ride. Let's go. So, हमने सारा सामान भर दिया है Isuzu के अंदर. पीछे लोडिंग एरिया पूरा अच्छी तरह से भरा हुआ है. This is the last bag. And we are done. So, अभी टाइम हुआ है 4:07 PM and अभी हमने घर से स्टार्ट किया है. Eastern Peripheral Expressway पे पहुंचे हैं हम और यहाँ से हमें 80 किलोमीटर तक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे ही ड्राइव करना है. सो आज हमारा टारगेट ये है कि हम हिमाचल में घुसेंगे क्योंकि हमारा ई पास इज फॉर 16th of June. हिमाचल प्रदेश बॉर्डर में एंटर करेंगे 16th of June में, क्योंकि 16th of June की वैलिडिटी है ई पास की. और उसके बाद घुसते ही कहीं रात को रुक जाएंगे और फिर कल मनाली जाएंगे. कब जाएंगे? कल मनाली. बारिश हो रही है प्रॉपर मूसलाधार बारिश और साथ में धूप भी निकली हुई है. गॉगल्स पहनने पड़ गए वापस. अब जाके बारिश का फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है, हल्की सी धूप आती नहीं, बच्चों के चश्मे चालू. हमने कर लिए 88.4 किलोमीटर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हमारा खत्म हो गया और अब हम हैं चंडीगढ़ वाले हाईवे पे. और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है लगातार फ्लाईओवर्स की, कई सालों से चली जा रही है. कब ख़त्म होगी? जब ख़त्म होगी तभी अच्छा यहाँ पे रूट बन पाएगा. तब तक हमें साइड में ही बाकी ट्रक्स और बसेस के साथ ट्रैफिक में फंसना पड़ता है. सो कल हमने ना कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं करा. कल बहुत ज़्यादा डिफरेंट सीन हो गया. 16th था कल, 16th June, और हमने स्टार्ट किया था 4 बजे ग्रेटर नोएडा से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे. आपने वो सब देखा, बारिश हुई एंड ऑल दैट. बट उसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई, जब हम सोनीपत और पानीपत के बीच में थे, वहाँ पे आपने रोड देखी होगी, वहाँ बीच में ब्रिजेस बन रहे हैं, तो ब्रिजेस के साइड से निकलना पड़ता है क्योंकि फ्लाईओवर जो बन रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट और जो बारिश हुई थी उसके कारण रोड के साइड पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था एंड उसके कारण काफ़ी ज़्यादा जैम हो गया था रोड पे. और सोनीपत से पानीपत आने में वी टुक ऑलमोस्ट 2.5 hours और अंदर के पता नहीं कौन से गांव वाले रास्ते लेने पड़े. नेट रिज़ल्ट ये हुआ कि रात को 11:30 हम लोगों ने हिमाचल बॉर्डर में एंटर किया. यहाँ पे थोड़ा सा फुट हिल्स वाला व्यू है जैसा आप देख रहे हो. ऑब्वियसली प्रॉपर पहाड़ों पर पहुँचे नहीं है. कल का टारगेट सिर्फ हिमाचल के अंदर एंटर करने का था. और एक इशू जो कल और हुआ हमारे साथ, कल 2-3 इश्यूज़ हो गए जैसे आपको बताया. एक तो ट्रैफिक मिला सोनीपत पानीपत के बीच में. दूसरा इशू हुआ हमारे Isuzu के अंदर चेक इंजन लाइट जलने लग गई. तो आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कि क्या हो गया है. बट फॉर्चुनेटली हमारा Isuzu का बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे समबडी रीच्ड आउट टू मी, नरेश, हु स्टेज इन जीरकपुर एंड द एरिया अराउंड, एंड उन्होंने मेरी हेल्प करी. वो जो स्कैनर होता है गाड़ी के अंदर सारे सेंसर स्कैन करने वाला, उनके पास वो हैंडी था एंड वो स्कैन करके हमने वो एरर हटाया और चेक इंजन लाइट हट गई. सो ये दूसरी एक कंसर्न थी जो हमारी रात को कल 10:30 बजे सॉल्व हुई. सेकेंड डे ऑफ द ट्रिप एंड टुडे विल बी राइडिंग, टुडे विल बी ड्राइविंग. राइडिंग बार बार मेरे मुँह से निकलता है क्योंकि बाइक चलाने की इतनी ज़्यादा आदत पड़ी हुई है. फ्रॉम धर्मपुर वेयर वी आर इन हिमाचल टू मनाली, ये वाला रूट मैंने कभी किया नहीं है. ऑब्वियसली मनाली जाने का रास्ता तो हम लोग नॉर्मली अम्बाला के आगे वो बांध वाली साइड से, कीरतपुर वगैरह वाली साइड से लेते हैं, बट आज का रूट थोड़ा सा डिफरेंट होगा. होपफुली हिमाचल के अंदर ही रहें, बार बार बॉर्डर के इधर उधर ना होना पड़े क्योंकि दिस एरिया इज़ अलॉन्ग द हिमाचल पंजाब बॉर्डर. ये जो रोड साइड होटल हमने रात को चूज़ किया, ये भी बहुत ही रैंडमली चूज़ किया था हमने. होटल सनराइज कॉटेज एवरेज सा है, ओनली 1200 rupees अ नाइट. हमें रात को बेसिकली बस सिर्फ सोने की जगह चाहिए थी, तो उसके हिसाब से इतना लेट चेक इन कर रहे हो आप 12 बजे, तो आप क्या वैल्यू फॉर मनी रियलाइज़ करोगे अगर आपको सुबह 7-8 बजे या 9 बजे मैक्सिमम निकलना ही है. कैमरामैन वन, हाउ आर यू? कैमरा
कैमरामैन। सो ये हमारा ब्रेकफास्ट, वेरका का दूध एंड हमने लिए हैं 6 केले। कोशिश करेंगे जितना हेल्दी हो सकता है उतना खाएं, जिससे हम पराठे तीनों टाइम ना खाएं। यहाँ से 250 किलोमीटर है मनाली एंड दैट विल टेक अस 7 आवर्स, गूगल मैप इज शोइंग। और 7 आवर्स मतलब ब्रेक वेक लेके अराउंड 9 आवर्स लगेंगे हमें। हमारा नेक्स्ट मील ब्रेक था रोड साइड पे, एक बंदा बैठा हुआ था अपने खेत से फ्रेश फ्रेश खीरे लाके। 40 रुपए में 1.5 किलो खीरे लिए हमने और फ्रेश खीरा एकदम। अभी तक काफ़ी हेल्दी डाइट चल रही है हमारे ट्रिप पे और अभी हम हैं 210 किलोमीटर फ्रॉम मनाली। आज फिर रात के 8 बजने वाले हैं क्योंकि रोड एवरेज है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा आने नहीं है, तो 7 से 8 घंटे मिनिमम लगने हैं। अभी 3:10 PM पे हम अपनी फेवरेट जगह क्रॉस कर रहे हैं मनाली वाले रूट में, जो है वो है सुंदर नगर वाला एरिया। और पिछले 4 या 5 साल से ये रोड ऐसी की ऐसी है, चाहे आप बाइक पे आओ, चाहे आप गाड़ी पे आओ, चाहे आप इसुजू पे आओ, चाहे वर्सेस पे आओ, चाहे आप टाइगर पे आओ, ये रोड नहीं सुधरी। अभी भी बिल्कुल डस्ट का ब्लैंकेट आ जाता है जिस भी व्हीकल पे आओ आप। और इसके बाद मंडी आएगा। अच्छी बात यह है कि इस ख़राब रोड के बाद थोड़ी देर के लिए 4 लेन वाला एक्सप्रेस वे आएगा। ते बताते ही बैड वाली रोड ख़त्म हो गई है एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड विद दैट 4 लेन टिल मंडी। और यहाँ पे गाड़ी एकदम से भागेगी 100+ स्पीड पे और सामने देखो पूरे माउंटेन्स की रेंज दिख रही है जिसको हमें जिसमें हमें अभी जाना है। So we are now at our favorite road in the world on the way to Manali. This is the road between Pandor Dam and Ott Tunnel. और यहाँ पे अगर आप अपनी कोई भी व्हीकल पे आओ तो one thing is assured कि आपकी गाड़ी को एक बहुत बढ़िया मड बाथ मिलेगा। मड बाथ भी नहीं, सीमेंट पेस्ट है पूरी रोड पे बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो एक और एलिवेटेड टनल बन रही है उसके कारण तो गाड़ी तो बहुत ज़्यादा बुरी गंदी होके जाती है। और अभी ऑट टनल के थ्रू भी जाएंगे। ऑट टनल में बहुत ज़्यादा अंदर मिट्टी होती है तो जितनी बार भी मैं बाइक से आया हूँ वहाँ तो ऑट टनल के अंदर से जाते समय ब्रीद करना मुश्किल हो जाता है। आज वो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम गाड़ी के अंदर हैं और एसी में बैठे हुए हैं। ये देखो ये सीमेंट पेस्ट, कीचड़ नहीं है, ये सारी कंस्ट्रक्शन के कारण जो पेस्ट बन गया है सीमेंट और मिट्टी मिल के। ये नेक्स्ट टायर्स हैं, ये सुजू के मेरे ऑफ रोडिंग के लिए, ये बड़े वाले हैं। ओहो हो हो, क्या स्मूथ रोड्स हैं इंडिया गेट की, लुटेंस दिल्ली की, राजपथ के सामने वाली। भाई ने हार मान ली है, मोटरसाइकिल वाले ने बैठ गया वहां पे। अब देखो यहाँ पे भी ये एलिवेटेड बनाएंगे भाई साहब पिलर पे, वो टनल का जो एंड है ना वो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनेगा इस जगह पे। ब्यास नदी के साइड में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाना है ना, और बनाओ सालों और बनाओ, बनाते रहो 15-20 सालों तक। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। So 9 PM update from Kullu. We are not going to get dinner at the hotel that we are going to stay. So यहीं पर हम dinner कर रहे हैं और यहाँ पहुँचने में जो पूरा पंडोर डैम वाले एरिया में जो गंदी हुई ना गाड़ी, गाड़ी की हालत दिखाता हूँ आपको। हट जाओ बच्चों, क्या क्या कर रहे हो आप दोनों?
इधर 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 क्या कर रहे हो आप दोनों? हम दोनों वीडियो बनाएंगे। अरे और मूवी आ रही है, आई आई मूवी पे जाएंगे और वीडियो वीडियो बनाएंगे, उससे पहले वीडियो बनाएंगे और फिर उसको एडिट करेंगे और लिखेंगे सेटिंग इन कुल्लू। दैट इज हाउ द कार लुक्स। कितनी बुरी हालत हो चुकी है इसुजु की, और ऐसी अच्छी लगती है इसुजु तो, गंदी। साइड से देखो पूरा स्प्रे ऑफ सीमेंट मिक्सचर जो पंडो के साइड में हुआ था, देखो हालत।